गोबर गैस का जो नाम है ना, वो बेसिकली कहाँ से आया? तो गोबर से आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डंग। गोबर गैस जो गोबर होता है ना, उससे कुछ एनर्जी को निकाला जाए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बायोमास एनर्जी। होता है ना, उससे हम लोग बनाते हैं चारकोल। क्या करते हैं? आग लगाते हैं, यानी उसको हीट कर उसको जब हम जलाएंगे तो वहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, स्मोक। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमास के बारे में। जो बायोमास है ना, उसका नाम तो आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन गोबर गैस का जो नाम सुने हुए हैं ना, गोबर गैस का जो नाम है ना, वो बेसिकली कहाँ से आया? तो गोबर से आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डंग। ठीक है ना, काउ डंग जो होता है वहां से उसका नाम पड़ा है गोबर गैस। जो गोबर जो होता है उसको हम लोग विलेज में गोबर बोलते हैं, नहीं तो उसको हम लोग जैसे सिटीज में जाएंगे तो वहां पर हम लोग डंग बोलते हैं। ठीक है, डंग। तो वो जो डंग होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास। ठीक है ना, बायोमास। और बायोमास एनर्जी क्या होता है? बायोमास एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो उस गोबर गैस, जो गोबर होता है ना, उससे कुछ एनर्जी को निकाला जाए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बायोमास एनर्जी। इस एनर्जी का प्रयोग हम लोग करते हैं फ्यूल के तौर पर एनर्जी निकालने के लिए, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी के लिए। पहले के जमाने में बेसिकली क्या किया जाता था, जो बायोमास होता है ना, उसको सुखाया जाता था। बोले तो जो वुड होता है ना, वुड भी एक तरह का बायोमास है, जैसे सूखा लकड़ी होता है। और जब हम लोग गोबर को, यानी जो बोले तो डंग, काउ डंग होता है ना, उसको सुखा देंगे तो वो एक जलावन की तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूल की तरह प्रयोग कर सकते हैं, फूड कुकिंग करने के लिए, भोजन पकाने के लिए। जैसे हम लोग करते हैं, पहले के जमाने में बेसिकली क्या होता था, इसको सुखाया जाता था। उसको क्या किया जाता था, सुखाने के बाद हम लोग उसको फ्यूल के तौर पर खाना पकाने के लिए उपयोग करते थे। बायोमास एनर्जी जो है ना, वो सूरज की एनर्जी। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग बोले थे बायोमास किसको बोलते थे, तो काउ डंग को, और जो ट्रीज और प्लांट्स होता था उसको बोलते थे। ये जो है ना, ये कैसे बना है? तो सबसे पहली बात, ट्रीज क्या होता है, ट्रीज बनता है सनलाइट के मदद से। बेसिकली कैसे, सनलाइट का उपयोग करके वो अपना फूड बनाता है, मतलब वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली देखे तो हम लोग एनर्जी कहां का लिया है, ट्रीज, तो सनलाइट का। लेकिन देखिएगा तो आप लोग, एनिमल जो होता है ना, जैसे जो डंग देता है, यानी जो गोबर देता है, वो क्या होता है, वो भी डिपेंड रहता है प्लांट पर। तो वो प्लांट पर डिपेंड है, तो क्या हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखे तो जो एनिमल प्लांट पर डिपेंड है ना, इनडायरेक्टली वो सन पर भी डिपेंड है। मतलब दोनों एनर्जी कहाँ से आया, जो बायोमास एनर्जी है वो कहाँ से आया, तो वो आया आप लोगों को सन से। जो बायोमास एनर्जी है ना, वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बोले तो वो एक ऐसा सोर्स है जिससे हम लोग बहुत दिनों तक एनर्जी प्राप्त करते रह सकते हो, एक तरह का साइकिल चलता रहता है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बायोमास वुड के बारे में। जो वुड होता है ना, उससे हम लोग बनाते हैं चारकोल। कैसे? तो सबसे पहली बात, बायोमास को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बायोमास वुड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, पहले के जमाने में हम लोग उसको क्या चीज के पर्पस के लिए यूज करते थे, तो फ्यूल के पर्पस के लिए, जिसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। बेसिकली क्या होता है कि जो वुड होता है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फ्यूल के तौर पर, उसको कुछ प्रक्रिया के द्वारा उसको गुजारा जाता है। उसके बाद हम लोग उसका जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल के तौर पर उपयोग करेंगे। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा। जैसे सबसे पहली बात, डिसएडवांटेज क्या है वुड को डायरेक्ट जलाने का, सबसे पहला यही कि उससे बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं होता है ना, वो क्या करता है, वो आप लोगों को जो एयर होता है उसको पॉल्यूट बहुत ज्यादा कर देता है। और नंबर सेकंड यही है कि जो होता है ना, वुड को जलाएंगे तो वहां से हम लोगों को आस, यानी जो राख होता है ना, वो बहुत ज्यादा निकलता है, यानी जो टली वो जर नहीं पाता है। और नंबर थर्ड देखा जाए तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना, यानी जो एनर्जी देने का वैल्यू होता है ना, वो बहुत कम होता है, 17,000 किलो जूल 1 kg में होता है। लेकिन वही वहां से जो रेसिड्यू बचता है ना, जब जलाने के बाद उसको हम लोग एक प्रक्रिया गुजारते हैं, तो वो जो रेसिड्यू बचता है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो उससे ज्यादा होता है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर के हिसाब से हम लोग क्या आगे चलते 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 हम लोगों को एक दिमाग सूझा कि जो वुड होता है ना, उसको एक प्रक्रिया से गुजारने के बाद वो एक बेटर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रक्रिया क्या, हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन वो जो बेटर फ्यूल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। वो जो प्रक्रिया होता है, यानी जो प्रोसेस होता है चारकोल को बनाने का वुड से, तो वो क्या प्रक्रिया होता है? तो सबसे पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, जो वुड होता है ना, उसको एक कहीं पर रख देते हैं, और उसको क्या करते हैं, आग लगाते हैं, यानी उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होना चाहिए कि वहां पर जो ऑक्सीजन का लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें नहीं जाना चाहिए, यानी एयर जो होना चाहिए ना, वो बहुत कम होना चाहिए। तो लिमिटेड सप्लाई हम लोग करेंगे एयर का, तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, जो फॉर्म होगा ना, वहां पर जो वाटर वेपर निकलेगा और ये सब निकल जाएगा, लेकिन वहां पर जो बचा हुआ चीज रहेगा ना, उसी बोलते हैं चारकोल। जो वो चारकोल बनता है ना, वो बेसिकली क्या चीज का बना हुआ था टोटली, तो चारकोल जो हम लोग वुड से बनाते हैं, वो जो चारकोल होता है, वो टोटली कार्बन का बना होता है। ठीक है ना, अब ये जो चारकोल है ना, ये हम लोगों को गुड फ्यूल है, किससे बेटर है, तो ये वुड से बेटर है। लेकिन इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, वो 33,000 किलो जूल पर केजी है, लेकिन वुड का कितना था, तो 17,000 किलो जूल पर केजी। मतलब 1 kg में ये 17,000 ही देता था, और ये 1 kg में 33,000, मतलब ये ज्यादा हो गया। मतलब देखिए, ये भी वुड से ही बना हुआ है, लेकिन इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस से गुजारे। वो प्रोसेस क्या था, तो वो प्रोसेस यही था कि ऑक्सीजन के जो लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोग लिए, वही प्रोसेस वहां पर मेन मायने रखता है। और जो चारकोल होता है ना, उसको हम लोग जब जलाएंगे, हीट करेंगे, यानी जो उसको बर्न करेंगे, तो वो क्या होता है, स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो आप लोग वुड जलाएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, जो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। लेकिन जो चारकोल होता है, उससे बहुत कम एयर पॉल्यूट होता है देन वुड।
अब बारी आती है क्या चीज के बारे में, तो काउ डंग के बारे में जाने में, जिससे हम लोग बनाते हैं क्या, तो बायोगैस। बायोगैस कैसे बनता है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन जो काउ डंग होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काउ डंग एक तरह का बायोमास ही है, जिसके काउ डंग है ना उसका अनदर नेम हम लोग देख सकते हैं कैटल डंग बोलते हैं, या हम लोग उसको जस्ट डंग बोल सकते हैं, या हम लोग उसको एनिमल डंग। काउ डंग जो होता है ना वो एक तरह का सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड बोले तो वो नहीं लिक्विड है और नहीं सॉलिड है, वो एक बीच का है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सेमी सॉलिड होता है ना, इसका पहले के जमाने में कैसे प्रयोग किया जाता था, इसको सुखाया जाता था धूप में, अभी ये सूख जाता है उसके बाद ये क्या हो जाता है, सॉलिड टोटली बन जाता था। ये सॉलिड बन जाता था, इसको हम लोग फ्यूल के पर्पज के लिए यूज करते थे, कुकिंग फूड करने के लिए, ठीक है ना। पहले के जमाने में बेसिकली क्या होता था, इसको एक शेप दिया जाता था कुछ काम करके। अब ये जो शेप होता है ना ये चूल्हे में जा सकता है, अब इसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता था, और सुखाने के बाद इसको हम लोग फ्यूल के तौर पर उपयोग करते थे। काउडंग जो होता है ना उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते थे, जैसे ऊट को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे फ्यूल के लिए, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, काउडंग जो होता है ना यानी जो गोबर होता है ना उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि सम रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस क्या है, तो रीजन नंबर वन यही है कि उसमें पाया जाता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, जो हम लोगों का न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्रॉप को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम लोग उसको फ्यूल के तौर पर जला देंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसको उपयोग करना चाहते हैं क्रॉप को बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों को क्या करना है, उस न्यूट्रिएंट को उसमें से कैप्चर करना है, तो कैप्चर करने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, वहीं से हम लोगों को बायोगैस फॉर्म होता है। रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू बेसिकली क्या है कि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, और नंबर रीजन यही है कि उसको जब हम लोग जलाएंगे तो वहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा, और वो स्मोक क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। रीजन नंबर फोर्थ यही है कि जो उसको जलाएंगे तो वहां से बहुत ज्यादा रेसिड्यू मिलेगा, जिसको हम लोग अस बोलते हैं यानी राख बोलते हैं। देखिए जो फ्यूल है ना काउ डंग, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करने से अच्छा है कुछ प्रोसेस से गुजार देंगे, ठीक है ना। अब वो प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो काउ डंग होता है उसको हम लोग दो चीज में बांट देते हो, क्या क्या, तो एक मैन्योर में, जो मैन्योर हम लोग फसल को उगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और सेकंड नंबर यही कि जो बायोगैस होता है जिससे हम लोग खाना पकाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे कामों में उपयोग कर सकते हैं इस बायोगैस का। देखिए जो बायोगैस फॉर्म होता है ना उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक डिग्रेडेशन। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दिया जाता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये क्या होता है, बायोगैस फॉर्म होता है। कहां से, तो वो जो डंग होता है वहीं से, काउ डंग से क्या होता है, बायोगैस फॉर्म होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसको कौन इसको हेल्प करता है, तो इसको हेल्प करता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जीवित रह सकता है, इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। दो तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, एरोबिक और एनएरोबिक। नंबर वन एरोबिक जो होता है ना उसको ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए, और एनएरोबिक को क्या नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बायोगैस जो है वो एक सिंगल मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं है, वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। सबसे पहली बात मीथेन उसमें हो सकता है, उसमें आप लोगों को हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। सबसे ज्यादा मात्रा होता है मीथेन का, लेकिन जो आप लोगों को देखते हैं ना ये तीनों कंपाउंड बहुत कम होता है, यानी 25% होता है ये तीनों, और 75% होता है ये, सबसे ज्यादा मीथेन। अब देखते हैं हम लोग सिस्टम के बारे में, यानी बायोगैस प्लांट के बारे में कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहली बात, उसमें एक टैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस टैंक, जो उसको हम लोग नेमली क्या है उसका नाम है, तो डाइजेस्टर, इसलिए क्योंकि वो डाइजेस्ट करता क्या चीज को, तो वो काउ डंग को डाइजेस्ट करता है इसके वजह से। अब वो जो डंग होता है उसको एक ऊपर की तरफ डोम शेप का बनाया जाता है, कुछ इस तरह बनाया जाता है, और वो जो होता है ना एयर टाइट हो जाए बोले तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एयर सील्ड होता है, वहां पर एयर नहीं जा सकता, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा सकता, तो वहां पर क्या होगा, हम लोगों को वही तो चाहिए एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए। और जो ऊपर का डोम शेप होता है ना वो बेसिकली क्या चीज के लिए बनाया जाता है, तो वो जो डोम शेप होता है वो आप लोगों को बायोगैस को क्या चीज के रखने के लिए बनाया जाता है, स्टोर करने के लिए। और उसके ऊपर एक पाइप की तरह टैप लगाया जाता है, वो क्या होता है बेसिकली, तो वो ऊपर की तरफ क्या बायोगैस को निकालने का काम करता है। अब यहां पर दो चीजें और होता है, एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है। इनलेट में हम लोग क्या करते हैं, काउ डंग को रखते हैं और वहां पर मिक्स होता है वाटर के साथ कुछ रेशियोज में मिक्स होता है, और वो मिक्स होकर नीचे की तरफ आता है। जैसे ही मिक्स होगा तो वो क्या बन जाएगा, तो स्लरी बन जाता है, ठीक है, वो एक लिक्विड टाइप का बन जाता है, और वो नीचे की तरफ जैसे ही आएगा ना, जैसे डाइजेस्टर में आएगा, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, उसको 50 से 60 दिनों तक उसी में रखा जाता है, और वहां से धीरे धीरे गैस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ जाता है। अब वो जो गैस बन गया ना, तो वो क्या करेगा, गैस बन गया तो हम लोग जानते हैं कि गैस प्रेशर लगाता है, जितने गैस होगा वहां पर वो प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ, और जो डंग होता है वो क्या होता है, जो इनलेट होता है उसको बंद कर दिया जाता है आफ्टर द एंटरिंग द काउ डंग, ठीक है। काउ डंग जैसे ही उसको एंटर हो जाता है उसके बाद उस होल को बंद कर दिया जाता है, और अंदर की तरफ वो क्या होता है, तो वो स्टोर हो जाता है धीरे धीरे 50-60 दिन के बाद, उसको क्या किया जाता है, रिवील किया जाता है। कैसे रिवील होता है ये हम लोग जानते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो जो गैस होता है ना वो प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगा, जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो एक मुंह बंद एक आउटलेट खुला हुआ है, तो आउटलेट की तरफ वो क्या करेगा, निकलने लगेगा जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगेगा। तो
अब वो जो स्लरी बचा हुआ रहता है ना उसको निकल जाता है आराम से, क्योंकि वो एक लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड तो कहीं से फ्लो कर जाएगा। अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आउटलेट में निकल जाता है। वो जो आउटलेट होता है ना वो बेसिकली क्या चीज के लिए उपयोग होता है, वो मैन्योर होता है, जो हम लोग बोले थे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये सब न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना उसी आउटलेट में आप लोगों को जमा हो जाएगा। लेकिन जो बायोगैस होता है ना वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बायोगैस का यूज के बारे में। तो सबसे पहली बात, यूज तो हम लोग कर सकते हैं बायोगैस को क्या चीज के लिए, तो जो फूड होता है उसको पकाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इंजन को चलाने के लिए, और बहुत सारा उपयोग इसका कर सकते हैं। और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे हम लोग हमेशा एनर्जी प्राप्त करते रह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद, जय भारत।